मोहित बिश्नोई, आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज अपने वीडियो रहने वाला है वो अपने स्टैंडर्ड 350 का ही रहने वाला है। दोनों ही अपने 2021 रजिस्टर्ड बाइक है एंड दोनों ही अपने BS6 वाली रहने वाली है। एंड कंपैरिजन वीडियो में आज इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मेरी वाली जो बाइक है मैंने BS6 थी एंड उसको BS6 थे मैंने BS3 के अंदर कन्वर्ट करा लिया। एंड ये वाली है जो आज भी अपने स्टॉक पड़ी है पूरी BS6 के अंदर ही। तो मैं बता देता हूँ भाई इसके अंदर अपने क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है एंड क्या क्या चीज़ें अपन ने बाहर इसे नया डलाया है एंड क्या क्या चीज़ें इसमें से हटा दी अपन ने। तो भाई सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अगर इसकी, तो अपने सबसे पहले टैंक चेंज हुआ है मेरा। ये अपने BS6 वाला टैंक है, इसको मैं आपको मैं हाथ में लेकर दिखाता हूँ फ़ोन को एक बार पूरा एंड फिर दिखाता हूँ कि भाई टैंक में मेरी क्यों चेंज कराया मैंने। वैसे मैं चाहता तो करा भी नहीं सकता था, बिना कराए मेरा काम हो जाता, लेकिन मैंने चेंज कराया। क्यों कराया मैं दिखाता हूँ आपको। भाई यहाँ पे आती है इसके नीचे फ्यूल इंजेक्टर वाली ये मोटर जो आपको दिख रही है वाइट कलर की, इसका मतलब जो छेद होता है टंकी के नीचे बहुत बड़ा होता है, इस वजह से मैंने चेंज कराई थी। तो यहाँ पे वैसे अगर जुगाड़ करना चाहें तो एक पत्ती लग जाती है एंड उसके थ्रू अपना काम हो जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा चेंज करा ली, इससे अपने ये चीज़ छोटी लग गई एंड ये अपने पूरा पंप यहाँ पे लग गया, ये वाला जो ऑन ऑफ वाला स्विच है। तो ये चीज़ अपने पहले चेंज हो गई टंकी, इस वजह से मैंने चेंज कराई थी। तो अब बात कर ली अपने टंकी की, दूसरी अपन बात करते हैं भाई इसके अंदर अपने को यहाँ पे मेन जो ऊपरी दिखती है चीज़ें वो बता देता हूँ। यहाँ पे अपने को मिलता है ये वाला स्विच जिसके अंदर अपने को इंजन लाइट एंड फ्यूल का वो दिख जाता है अपने रिजर्व वाला। तो यहाँ अगर अपन बात करते हैं भाई अपनी वाली की, तो अपने इसके अंदर भाई एम्प मीटर लग चुका है क्योंकि BS3 के अंदर मैंने कन्वर्ट कराई है। थर्ड मेन चीज़ अपनी जो वायरिंग है BS3 वाली डली है पूरी एंड इसके अंदर अपने वायरिंग है वो BS6 वाली है। एंड ये अपने स्विच भी चेंज हुआ है क्योंकि BS6 के अंदर खाली ऑन ऑफ का स्विच आता है, नीचे अपने कोई सेल्फ या नाई लाइट का आता है, लेकिन BS3 वाली के अंदर अपने को यहाँ पे स्विच के अंदर लाइट का स्विच भी देखने को मिल जाता है। एंड बाकी आप ऊपर अगर देखें तो अपने कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब मैं दिखाता हूँ आपको मेन चीज़ भाई वायरिंग चेंज हुई है। तो भाई अपने इसके अंदर ABS आता था BS6 वाली के अंदर जैसा कि मेरी वाली में भी आता था, लेकिन मैंने जो ABS की जो वायरिंग है आपको दिख रही होगी, ये देख लो आप, दो जो पतला सा छोटा सा तार है वो ABS सेंसर का वायर है, वो अपन ने हटवा दिया इससे क्योंकि अपने BS3 के अंदर कन्वर्ट हो गई। पीछे वाले टायर के अंदर भी सेंसर आता है इसका, वो भी अपन ने रिमूव करवा दिया, खाली सेंसर पड़ा है। एंड उसके अंदर अगर अपन बात करें तो उसके अंदर अपने मेरे हिसाब से सेंसर इनके लग रखा है वो पड़ा। पीछे आपको जो वायर सी दिख रही है नीचे, ये वाला सेंसर है इसका ABS का, तो इसके अंदर अभी तक ये लग रखा है। अब बात करते हैं भाई मेन एक चीज़ की और बाहर एक्सटीरियर वाली, तो अपन ने यहाँ वाला जो बॉक्स देखते हैं अपने BS6 के अंदर ऐसा आता है क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बोरेटर वगैरह कुछ आता नहीं है, उसको पूरा यहाँ पे पैक करके यूँ रख देते हैं। एंड अपनी वाली में ये चीज़ भी चेंज हो चुकी है क्योंकि नीचे वहाँ पे कार्बोरेटर लग चुका है, ये वाला आपको कार्बोरेटर दिख रहा होगा, इसके अंदर यहाँ पे कोई कार्बोरेटर वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलता, तो ये चेंज हो गया अपने। एंड ये जो पाइप है इसकी, ये भी चेंज हुई है एंड ये वाला बॉक्स भी चेंज हुआ है। एयर फिल्टर अपने वही पुराना वाला काम आ जाता है, वो भी उसके अंदर अपने पुराना वाला काम ले लिया एंड वो बॉक्स भी इसके अंदर अपन ने पूरा चेंज कराया एंड पीछे से पूरी पाइप वगैरह जो सारी अपने पूरी ओल्ड चीज़ें नहीं लगी है। एंड अब बात करते हैं भाई अपने इसके सेंसर की, तो यहाँ इसके अंदर अपने भाई सेंसर आता है एंड ये साइलेंसर कुछ ऐसा आता है 6 के अंदर। एंड अपनी वाली के अंदर रियर के अंदर भाई साइलेंसर वैसे अपने चेंज करा रखा है, आगे से अपने पूरी बैंड पाइप चेंज है, अपने कोई सेंसर वगैरह लग नहीं रखे इसके अंदर एंड ऐसा कुछ उसका लुक हो गया एंड इसका कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब अपने एक अंदर जो इंजन के अंदर क्या चेंज हुआ वो दिखाता हूँ भाई। मैग्नेट आती है BS6 की इसके अंदर जो अलग आती है, तो मैंने ये खुलवा के पूरा इसके अंदर अपने BS3 वाली मैग्नेट डलाई है, उससे अपने बैटरी को चार्ज करने कैपेसिटी भी दोनों की अलग अलग होती है, तो BS6 वाली वो उठवा के अपन ने नहीं लगवा ली है अभी मैग्नेट भी। यही अपने मोटा मोटी चीज़ें चेंज हुई है। एक जो अपने यहाँ पे सेंसर था इसको उठा के एंड लगा सकते हैं अपने नट वगैरह कुछ, लेकिन मैंने सेंसर की वायर कटवा दी और कुछ नहीं लगाया, जैसा कि आपको वायर निकला हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रहा इधर, तो ये वाला अपने वायर है। एंड काफ़ी जनों को पता है भाई कि BS6 वाली जो बाइक है उसके अंदर अपने को यहाँ पे सिंगल स्पार्क प्लग मिलता है, डबल स्पार्क प्लग मिलता नहीं है, तो अपन ने भाई कोई स्पार्क प्लग डबल लगाए नहीं, फिर भी अपने काम बढ़िया एकदम ढंग से कर रही है बाइक एंड आज तक मेरे कभी कोई दिक्कत आई नहीं सिंगल स्पार्क प्लग में भी। एंड ये रही अपनी नीचे EFI की बैजिंग, भाई कई लोग बोल रहे हैं भाई BS3 वाली होगी, लेकिन अपने भाई BS6 वाली है, EFI वाली है। एंड ये देख सकते हो आप, ये भी अपने EFI वाली मिलेगी अपने को देखने को, बस अपन ने इसको उससे चेंज करा के अपन ने 3 के अंदर कन्वर्ट करा ली। दोनों बाइक स्टॉक थी, ऐसी थी लुकिंग वाइज, अलॉय वगैरह भाई आपको मेरी वीडियो मेरे अगर आप पहले से देख रहे हो तो आपको पता भी होगा भाई कि अलॉय जो थे मैंने शोरूम से बाइक जो परचेज़ की थी उससे जस्ट 2-3 मंथ पहले ही मैंने खरीद कर रख लिए थे। एंड रियर टायर मैंने फर्स्ट टाइम चेंज करा लिया था एंड सेकंड टाइम आज मैं वापस अगेन चेंज करा के लाया हूं, जो कि अपन ने MRF का 1110x90R19 इंच का अपन ने नया इसके अंदर टायर लगाया है। एंड इस बार अपन ने जो टायर लगाया वो अपन ने ट्यूबलेस वाला लगाया, पिछली बार मेरे मिस्टेक हो गई थी, ट्यूब वाला टायर डाल दिया था, तो वो अपन ने इस बार अगेन वापस चेंज करा लिया। एंड अब वापस बाइक का रियर वाला टायर ट्यूबलेस हो गया एंड फ्रंट वाला भी मैं सोच रहा हूँ भाई थोड़े दिनों के अंदर अपन ने चेंज करा के एंड ट्यूबलेस के अंदर करवाना है। एंड
अब बता देता हूँ भाई इसके अंदर भी अपने, और तो ज़्यादा कुछ चीज़ें बची नहीं अपने, लाइट वगैरह थी उनके अपन ने स्विच अंदर से दे लिए, और वो पूरा अपने अब BS3 हो गई एंड ये अपने पूरी BS6 है। तो ये आप देख सकते हो भाई दोनों के अंदर, ये अपना पूरा डिटेल कंपैरिजन था। बाकी भाई वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई अपने नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाएं। थैंक यू।